और भाई आपको दिखाते हैं कैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर यूपी में उपचुनाव तक वोटिंग से ठीक पहले धर्म का कार्ड खेला जा रहा है। महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी के पास पहुंचते हैं, तो यूपी में मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी फिलिस्तीन गाजा की जंग को याद दिलाते हैं। साथ ही साथ ओवैसी झांसी के अस्पताल में बच्चों की मौत पर भी हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स करते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट जरा देखिए। महाराष्ट्र में वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों के नेता वोट जुटाने की आखिरी जुगत में लगे हैं और इस बीच वोट के लिए धर्म युद्ध और वोट जिहाद वाले विवाद ने और जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा और मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर शिवाजी सीट से उम्मीदवार अबू आजमी मुस्लिम वोटों की गुहार लेकर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी के द्वार पर पहुंचते हैं। वो मुफ्ती सलमान अजहरी जिन पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और मुफ्ती सलमान से अबू आजमी गुहार लगाते हैं कि इलाके के सारे मुस्लिम वोट उन्हीं को पड़े। सुनिए ये बातचीत। तो मैं तो खास चौथी बार लगा इलेक्शन। अच्छा, और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली, क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 6-5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है नाम उसको एक लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार आपके साथ विमन किया ही, तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए। मैंने आपसे दुआ करा उन्होंने, बिल्कुल अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की अपील करते हैं तो बदले में मुफ्ती साहब भी एक कमिटमेंट करवाते हैं। सुनिए। कासिम भाई, मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ जी कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। बस मैं महज इतना चाहता हूँ कि मेरा मिशन है नामों से रिसालत की हिफाजत। अबू आजमी और मुफ्ती सलमान अजहरी के बीच बात ये तय होती है कि वो उनके लिए वोटों की अपील करेंगे और बदले में उनके मजहब के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके लिए कुछ होता है ना तो वो तो उसको पकड़ के उसको बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, हमारे मजहब के खिलाफ होता है ना तो उसमें मुकदमा भी नहीं करते लोग। ये तो हालत है जो सरकार बैठी हुई है, सिर्फ उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम इस सिलसिले में मेरी दुआ है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं से और लीडरों से जो भी चुन करके जाए यही मुतालबा करता हूँ कि आप कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए काम तो कर रहे हैं। अब बीजेपी अबू आजमी और मुफ्ती सलमान अजहरी की मुलाकात पर भड़की हुई है और इसे वोट जिहाद का नाम दे रही है। अब महाविकास आघाड़ी के नेता अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से मिल रहे हैं। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। इसके पहले राहुल गांधी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना के नेता मौलाना सज्जाद नुमानी के सामने घुटने टेक रहे थे मुस्लिम वोटों के लिए। वोट जिया जिंदाबाद, ये एमवीए का नारा बन चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी नेता लगातार आघाड़ी वालों पर मुस्लिम परस्ती के आरोप लगा रहे हैं। शरद पवारांचा पक्ष, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आणि काँग्रेस हे या ठिकाणी वोट जिहाद करतात। वोट जिहाद हा शब्द वापरून विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारी एक प्रकारचा धार्मिक कलर एक है तो सेफ है, मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है और उनका कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, लूटेंगे और बांटेंगे है। जमहूरियत है, यहाँ पर धर्म युद्ध और जिहाद कहाँ से आ गया फडणवीस। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि यूपी में भी
9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है तो AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए फिलिस्तीन और गाजा की मिसालें दे रहे हैं। जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते, अरे हम हार गए तो कैसा, अरे मेरे भाई मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बुरा मत मानिए। 70 साल से वो फलस्तीनी गाजा और मगरबी किनारे में लड़े जा रहे, मर रहे। 40,000 अब तक मर गए, 12,00,000 बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, मगर उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे बल्कि मुकाबला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यूपी में झांसी के अस्पताल में आग लगने से हुई 10 बच्चों की मौत पर धर्म का एंगल ढूंढ लिया और याकूब मंसूरी का हवाला देकर सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर जोरदार आक्रमण किया। झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूद कर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूँ, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे, बटोगे तो कटोगे? क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव और यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग 20 नवंबर को है। ऐसे में सभी पार्टियां आखिरी दांव आजमाने में लगी हैं। आज तक ब्यूरो।